वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से आपका एमबी में पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की ओर ले जाता है। थीम, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। अ फेलर नेवर मीन्स दैट वी कैन नॉट सक्सीड। एक हार या एक असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी सफल नहीं होंगे। द वैल्यू फॉर द डे इज हार्ड वर्क। गॉड इज ऑलवेज विद दोज हु रियली वर्क हार्ड। वी कैन अचीव एनीथिंग थ्रू हार्ड वर्क। भगवान उनके साथ होते हैं जो सच में कठिन परिश्रम करते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, हम सब कुछ तक पहुंच सकते हैं कठिन परिश्रम के द्वारा। वी मे नॉट सक्सीड इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। हम सफल नहीं होते हैं, अपनी पहली कोशिश में सफल नहीं होते हैं। बट अ फेलर नेवर मीन्स दैट वी कैन नॉट सक्सीड। लेकिन एक हार का, एक असफलता का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। फेलर्स आर जस्ट टू मेक अस रियलाइज अवर मिस्टेक्स। असफलता केवल हमारी गलतियों को रियलाइज करने के लिए होती है। गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क बट द सक्सेस इज ड्यू टू वंस हार्ड वर्क। भगवान ने हमें कार्य करने की क्षमता दी है, लेकिन सफलता केवल कठिन परिश्रम से ही है। रिमेंबर द फेमस कोट ऑफ एडिशन, जीनियस इज अ 99% परस्पिरेशन एंड ओनली 1% इज इंस्पिरेशन। फेमस एडिशन का एक फेमस कोट याद रखें कि प्रतिभा 99% पसीना होती है, मतलब कि कठिन परिश्रम होता है, और केवल 1% प्रेरणा होती है। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन हु बिकम्स ग्रेट इट इज बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। यह सत्य है कि एक व्यक्ति महान है तो वह केवल अपने कठिन परिश्रम की वजह से। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट अ जीनियस लाइक एडिशन वॉज अ पुअर स्टूडेंट इन हिज स्कूल। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि एक जीनियस जैसे कि एडिशन एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट था स्कूल का। बट हिज मदर हैड अ कॉन्फिडेंस इन हर सन। लेकिन उसकी माँ को अपने बेटे पर कॉन्फिडेंस था। सी टॉट एडिशन हरसेल्फ। उन्होंने एडिशन को खुद पढ़ाया। ही वर्कड हार्ड एंड ग्रू अप टू बी अ लीडिंग इन्वेंटर। उसने कठिन परिश्रम किया और आविष्कारक बनने के लिए बड़ा हुआ। अवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यूज टू वर्क फॉर 16 to 17 hours एवरी डे। हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी 16 to 17 hours प्रतिदिन कार्य करते थे। फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज द फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क। भारत की स्वतंत्रता उनके कठिन परिश्रम का फल था। अब्राहम लिंकन इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु रोज टू ग्रेट हाइट ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अब्राहम लिंकन एक अन्य उदाहरण है एक ऐसे आदमी का जिसने ऊंचाइयों को छुआ केवल अपने हार्ड वर्क के द्वारा। देयर इज एन unending list of those who achieved success through hard work, dedication and determination. यहाँ ऐसे कई लोगों की unending list है जो अपने कठिन परिश्रम, निष्ठा और दृढ़ता से सफलता की ओर गए।
नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम द नेम ऑफ द स्टोरी इज हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर लाइक्ड टू डू हिज होमवर्क। पैट्रिक को कभी भी अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था बहुत बोरिंग है। ही लव टू प्ले बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसके बजाय वह बेसबॉल, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट अर्न एनी थिंग। उसकी टीचर उससे कहती थी पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो। बट वॉट कुड पैट्रिक डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन पैट्रिक क्या करता, वह होमवर्क से नफरत करता था। देन वन डे ही शॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तब एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी डॉल के साथ खेल रही थी। पैट्रिक स्नैच्ड इट अवे, पैट्रिक ने उसे छीन लिया। बट ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, रादर अ वेरी टिनी मैन एंड एल्फ। लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, वह एक डॉल नहीं थी, इसके अलावा वह एक छोटा आदमी था, एक बौना था। द एल्फ वोर अ टॉल हैट लाइक अ बिच, एल्फ ने एक लंबी हैट पहन रखी थी एक जादूगर की टोपी के जैसे। सेव मी ही येल्ड, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, वह चिल्लाया मुझे बचाओ, मुझे बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक विश दूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हिज लक, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था और उसके सभी, यहाँ पर उसकी सभी परेशानियों का हल था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा विल यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म, क्या तुम मेरा टर्म के एंड तक मेरा सभी होमवर्क करोगे। Do a very good job, I could even get S. बहुत अच्छे से काम करो, मुझे भी A ग्रेड मिल सकती है। The little man's face wrinkled like a dishcloth. छोटे आदमी का फेस मुरझा गया एक कपड़े डिस्क्लॉथ की तरह। He kicked his legs, clenched his fist and he scowled and pursed his lips. उसने अपने पैर को झटकाया, अपनी मुट्ठियाँ बांध ली और अपने आँखों को चढ़ाया और अपने होठों को सिकोड़ा और बोला ओ वाई डिड आई प्रोमिस बट आई शैल डू इट। ओ मैंने वादा क्यों किया लेकिन मैं इसे करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ वेगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और उसके शब्दों को सच करते हुए उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन वह एक परेशानी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा यह नहीं पता था कि क्या करना है, उसे मदद की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वह कहता रहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक ने उसकी हर तरीके से मदद की। I don't know this word, the elf squeaked while doing Patrick's homework. मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ, एल्फ चिल्लाया जब वह पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था।
ब्रिंग मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी ला दो। नो नो, लुक अप द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग, नहीं नहीं शब्द को देखो और इसकी मीनिंग पढ़ो। व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ्स आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक अपने भाग्य से बाहर था। व्हाट आर टेबल्स, टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाया। द एल्फ्स नेवर नीड दैट, एल्फ्स को इनकी कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। एंड व्हाट दीज एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शंस आर, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन ये क्या हैं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू मस्ट सिंपली गाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ और मुझे गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ माइस्ट्री। एल्फ्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसके लिए ये एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, ब्रिंग मी मोर बुक्स। इसलिए लिटिल एल्फ हमेशा चिल्लाता रहता और वह कहता कि मेरे लिए और ज़्यादा बुक्स लाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो उन्हें पढ़ने में। सो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन इवन बिफोर, इसलिए पैट्रिक को पहले से भी ज़्यादा कठिन काम करना पड़ रहा था। ही हैड टू कीप अवेक नाइट आफ्टर नाइट, वह रातों भर रात भर जगता रहता था, जगकर काम करता था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वह थकान महसूस नहीं करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड पैट्रिक केप्ट हिज प्रॉमिस, अंत में स्कूल का लास्ट दिन आ गया, पैट्रिक ने अपना प्रॉमिस की पूरा किया। ही लेट द एल्फ गो, उसने एल्फ को जाने दिया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लाइड आउट द बैक डोर, होमवर्क के लिए वहाँ पर कोई और नहीं था, इसलिए वह चुपचाप और छुपके से पीछे के डोर से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को अपना ए ग्रेड मिला, उसके क्लासमेट बहुत ज़्यादा अचंभा थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स बहुत स्माइल कर रहे थे और उसे उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड एज फॉर हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके माता पिता भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह अब एक मॉडल किड था। ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड ऑल हिज चोर्स एंड वॉज ऑलवेज चीयरफुल, नेवर रूड टू एनीबडी, एज इफ ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। वह उसने अपना कमरा साफ किया, उसने अपने सारे काम किए और वह हमेशा खुश रहता था, किसी से भी रूड नहीं होता था, और उसके अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप हो रहा था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आपने देखा अंत में पैट्रिक ने भी सोचा कि वह आदमी बनेगा, वह छोटा आदमी बनेगा और अपना होमवर्क करेगा। बट लेट मी रिवील द सीक्रेट, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताऊं जो केवल आपके और मेरे बीच है। इट वॉज नॉट द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, बट इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु हैड डन इट ऑल थ्रू हिज हार्डवर्क। यह
एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया, लेकिन वह पैट्रिक खुद था जिसने यह सब किया अपने कठिन परिश्रम के द्वारा। मोरल, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, वी मस्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम हमें सफलता की ओर ले जाता है, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है, इसे आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।